क्या हुआ सिस्टर, तुम मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो यार? कैसे बिहेव कर रही हूँ? तुम्हें मार रही हूँ, तुम्हें डांट रही हूँ, पीट रही हूँ तुम्हें। कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है सिस्टर। आज त्योहार का दिन है, दिवाली का दिन है, तुम मुझे सुबह से अवॉइड कर रही हो, इग्नोर कर रही हो। देखो अगर मुझसे कोई गलती हो तो I'm सॉरी, प्लीज मुझे अवॉइड मत करो यार, ये बिहेवियर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा तो मुझसे बर्दाश्त हो रहा है? तुम्हें लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे ना बात करके, तुमसे झगड़ा करके, तुमसे नाराज होके? बट आई एम सॉरी, मेरे पास है ना कोई ऑप्शन नहीं है। अरे बस सिस्टी मेरी बात सुनो यार, लड़ना जरूरी है क्या सिस्टी? हर बात पे लड़ना झगड़ना जरूरी है क्या? हाँ हर बात में लड़ना झगड़ना जरूरी है। पर क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ूंगी ना तो तुम मिस्टर एटीट्यूड बनकर मेरे आमने सामने घूमोगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी रोल रिवर्स हो गया है। मैं मिस एटीट्यूड बन के घूम रही हूँ और तुम मुझे भाव दे रहे हो, लट्टू की तरह मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। मेक श्योर कर रहे हो कि तुम मुझे ज्यादा परेशान ना करो। मैं रूठी हूँ तो मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हें पता है मुझे अभी कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत अच्छा, एकदम प्रिंसेस जैसा। रियली सिस्टी? हाँ रियली। मतलब तुम गुस्सा नहीं हो, गुस्सा होने की एक्टिंग कर रही हो? यू टू मच यार, सीरियसली यू टू मच। अरे अरे गुस्सा क्यों होते हो? थोड़ी सी एक्टिंग कर ली तो क्या कर लिया, तुमसे कुछ ले लिया क्या? जरा सी अटेंशन ही तो लिए तुमसे। ये सब अटेंशन के लिए सिस्टी? तुम्हें आइडिया भी है मैं कैसा फील कर रहा था? मैं सुबह से परेशान हूँ, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो यार, मुझसे बात नहीं कर रही, टॉन्ट मार रही हो, कैसा फील कर रहा था यार मैं? यार सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं वो सॉरी, मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मा और जानकी आंटी घर पर है और दिवाली की पूजा भी है, तो वो मुझे जाना, आई एम सो सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। अरे 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 कहाँ भाग के जा रहे हो? तुम ना पीहू की टेंशन बिल्कुल मत करो, मैं पल पल इसके साथ रहूंगी। तुम अपने दिए जला लो। दिए तो मैंने जला दिए, कुछ और काम कर लो। ओह अच्छा ठीक है, तो तुम पीहू के साथ ही रहना, ठीक है? और बड़े क्रैकर्स नहीं जलाना, छोटे छोटे जलाना, ठीक है? करण पीहू यही रुको, बेटा देखो अभी सब बाहर आ रहे हैं ना, तो ये आप मुझे दे दो, मैं आपको बाद में देती हूँ, अभी आप इसे रख लो, इससे खेलो। हाँ मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज नाराज से हो? हूँ तो कौन से दिलाओगे आप? नाराज हो भी तो मत हो ना। क्यों नहीं हूँ, मैं तो हूँगा। अरे मेरी बात सुन, देखो नाराजगी उदासी गिले शिकवों के लिए ना जिंदगी बहुत छोटी होती है, कल को पता नहीं क्या हो। मेरा मतलब जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमें किसी भी बात का गम नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए कि वो दिन जो गया था ना जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे को अपना पूरा प्यार दे सकते थे, पर हमने दिया नहीं, ये सोच के हमें पछताना नहीं चाहिए ना। तुमने इतनी इमोशनल बातें की ना, तो मैं तुमसे इतना नाराज हो जाऊंगा कि तुम मुझसे, तुम मुझे मानोगे? मैं तब भी नहीं मानूंगा। नाराज नहीं हूँ,
सॉरी पीयू, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। इट्स ओके, इट्स ओके, छोटी सी चोट है इसलिए सो रही है आराम से। कम, लेट अस स्लीप। Are you okay? क्या हुआ? प्रीता, तुम्हारा हाथ जब कट नहीं मत। प्रीता, प्रीता, गिरेश, ऋषभ, ऋषभ, मॉम, डैड। करण, प्रीता को क्या हुआ? अरे, करण! क्या हुआ? करण को तो पता भी नहीं कि प्रीता की जो हालत है वो सोनाक्षी की वजह से। मुझे क्या करना है? जिसे जो करना है करे। सोनाक्षी थोड़ा तेज चलाना प्लीज। हाँ। थोड़ा और फास्ट चलाना प्लीज यार। ओके। प्रीता, प्रीता तेज चलाओ ना यार प्लीज। प्रीता, प्रीता, ओके? पीयू बिल्कुल ठीक है, घर पर है। हम गाड़ी में क्यों? क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कौन है? पीयू तो ठीक है ना? प्रीता, पीयू बिल्कुल ठीक है, तुम बेहोश हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, करण मैंने कहा ना, मुझे थोड़ी थकान हो गई होगी। लेकिन मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना है। अरे, मुझे बस डॉक्टर की मुझसे एक बात सुननी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, दैट्स इट। मैं ठीक हूँ, प्लीज गाड़ी घर वापस ले लो। नहीं, हम हॉस्पिटल जाएंगे, गाड़ी मत रोकना। गाड़ी क्यों स्लो करेंगे? मैंने कहा ना हम हॉस्पिटल जाएंगे। अरे, पर करण, प्रीता ने कहा ना कि वो ठीक है। लेकिन प्रीता की बात क्यों सुन रही हो तुम? मैंने कहा हम हॉस्पिटल जाएंगे, दैट्स इट। करण प्लीज, सोनाक्षी समझ रही है और तुम नहीं समझ रहे। मुझे कुछ नहीं समझना। हम हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर बस एक बार ये कह दे कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं ठीक हूँ, मैं थकान की वजह से बेहोश हो गई होंगी, अब मुझे घर जाना है। नहीं, मुझे यही बात डॉक्टर कह रहे कि तुम्हें बस थकान थी और कुछ नहीं था। एक ही बात करते, तुम कितने जिद्दी हो। चाहे तुम मुझे कुछ भी बोलो, हम हॉस्पिटल जाएंगे। क्या कर रही हो सोनाक्षी? हाँ, ऐसे गाड़ी चलाते हैं क्या? सॉरी, वो तुमने कहा ना कि फास्ट ड्राइव करो, तो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई और फिर प्रीता की भी टेंशन हो रही है, इसलिए मैं फास्ट ड्राइव करने लग गई। एक्सक्यूज मी, प्रीता की टेंशन हो रही है? मतलब प्रीता को इतनी कुछ सीरियस नहीं है, रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं हम लोग, दैट्स इट। तुम्हें प्रीता की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके, प्लीज थोड़ा सेफली ड्राइव करो यार। वो हॉस्पिटल आ गया है, मैं यहाँ पार्क कर देती हूँ। आराम से, इसी ओके। हेलो, हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, हाय। एक्चुअली ना क्लिनिक बंद हो गया था, इसीलिए मैं घर चली गई थी। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आज दिवाली है। मैंने तो करण को कहा भी था कि कोई जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही डिस्टर्ब किया क्लिनिक बुलाकर। नहीं नहीं डॉक्टर, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए, मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल हुआ क्या था। लवी जवी कपल, आप तो मुझे ऐसे घूर मत हो गए, आज मैं पूरा सच बताने वाला हूँ डॉक्टर को। डॉक्टर एक्चुअली ये बेहोश हो गई थी। रियली? या। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ अपने डिफेंस में। डॉक्टर, मैं फिजिकली काफी एग्जॉस्टेड हूँ, काफी काम था घर पे, और शायद इमोशनली भी बहुत एग्जॉस्टेड थी, इसलिए ऐसा हुआ हो सकता है। क्या है ना कि आज मेरी बेटी
पटाखों से खेल रही थी और इससे पहले किसी को पता चलता वो पूरा क्रैकर्स में घिर गई। छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया, उसके हाथ पे चोट आई है और वो बेहोश भी हो गई। और ये सब देखकर मैं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा घबरा गई थी। एक मिनट डॉक्टर, मैं बताता हूँ। पीहू अभी बिल्कुल ठीक है, उसे डॉक्टर ने देख लिया और वो घर पर है। ओके। देखिए हेल्थ के मामले में ना मैं इस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। ये सबका ध्यान रखती है लेकिन अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। प्लीज मुझे सारे चेकअप कराने हैं इसके। व्हाई नॉट, मैं इनके सारे टेस्ट करूंगी और हो सकता है मैं ही वो लकी डॉक्टर हूँ जो आपको ये गुड न्यूज देंगी कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं इनके सारे टेस्ट करूंगी और हो सकता है मैं ही वो लकी डॉक्टर हूँ जो आपको ये गुड न्यूज देंगी कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो वो राज खुल जाएगा, वही राज जो मैंने कब से छिपा रखा है। जब तक वो राज छिपा है ना, तब तक मेरी लाइफ इस घर में सेट है। अगर वो राज खुल गया तो मैं इस घर की तो क्या, अपनी जिंदगी की भी नहीं रहूंगी। इनफैक्ट मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। तब तो मेरा फ्यूचर पक्का ही बर्बाद है। कल रिपोर्ट्स आने वाली है, मतलब सबको पता लग जाएगा कि प्रीता की कोक सूनी नहीं है, वो मां बन सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं, क्या करूं मैं? क्या करूं, क्या करूं, क्या लगा रखा है? ऐसा कौन सा तूफान आ गया तुम्हारी लाइफ में, मुझे बताओ। शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। नो थैंक्स। हाँ बट यू नो व्हाट, मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी भी लाइफ इस घर में सेट हो जाए। लाइफ सेट करने के लिए क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो चाहिए। तुम ये बताओ कि तुमको क्या चाहिए। बेबी तुम फिक्र मत करो, मैं कल इंदौर से जाके मिलूंगी और फिर वो तुमसे आकर मिलेगा और फिर मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लूंगी। मुझे जो चाहिए ना वो थोड़ा पर्सनल है, लेकिन तुम तो बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं। जब इंसान कहता है ना कि उसे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए तो उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। जब देखो मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती हो शर्लिन, तुमने मुझे तंग करने का ठेका ले रखा है। बदतमीजी से बात मत करो मुझसे। Oh, really? मेरे पास भी ना ये सब फालतू बातों का टाइम नहीं है। अपने आप से करती रहो ये बातें। सोनाक्षी करण और प्रीता के साथ हॉस्पिटल गई थी, वहां पे कुछ तो हुआ है। सोनाक्षी कुछ तो गड़बड़ करने वाली, लेकिन क्या? अरे करण, क्या हुआ, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं तो, प्रीता के पास जा रहा हूँ। क्यों? प्रीता वो तो घर पे ही होगी, कहाँ जाएगी? तो मैंने कब कहा कि घर पे नहीं है? मैं कह रहा हूँ उसके पास जा रहा हूँ, उससे मिलना है अभी इसी वक्त। वो कौन है, कहाँ मैं कहाँ? जब देखो प्रीता प्रीता प्रीता, एक मिनट के लिए प्रीता इधर से उधर क्या हो गई, पागलों की तरह उसे ढूंढने लग जाता है। आई जस्ट हेट इट। पता नहीं उस प्रीता में ऐसा है क्या। Thank you.
नो वरीज, कल शाम तक आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे एंड इट विल बी वेरी क्लियर टू अस. मम्मा सी, दिस इज द वॉच आई ऑर्डर. नाइस, अच्छी लगी ना आपको? वेरी गुड कलर. आपके लिए भी ऑर्डर कर लूं? आई डोंट माइंड. करीना बुआ, आपको भी पसंद है? नहीं, सेम सेम हो जाएगा, पर भाभी के लिए ऑर्डर करता हूँ. हाँ ठीक है, ओके. वैसे एक्चुअली एक बात बताऊं करीना बुआ, जो लोग लेट उठते हैं ना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते. ये लड़की ना थक चुकी हूँ मैं इसे समझा समझा के, मेरी बात ही नहीं सुनती. भाभी आप बात करो इससे, शायद आपकी बात सुन ले. करीना दी, अब मैं क्या समझाऊं? आप क्या समझाऊं, मतलब आप ही की बात तो समझती है. क्यों, मॉम की बात समझती है ना? तो शोलन, तुम्हें पता है तुम ना मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो. एटलीस्ट तुम मेरी फैमिली की तरह मुझे नॉर्मल फील कराने की कोशिश तो नहीं कर रही, कुछ भी बोल के जैसे मेरी फैमिली कर रही है, कुछ भी बोले जा रही है जस्ट टू मेक मी फील नॉर्मल. ए पगलू, कैसी बातें कर रही है तू? किसने तुझसे कहा कि तू नॉर्मल नहीं? तू नॉर्मल ही तो है. क्या हुआ तुझे? कुछ भी नहीं हुआ ना, जो होना था वो हो गया है. बच्चे, मूव ऑन इन योर लाइफ, ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस. दोबारा लाइफ में कभी मत बोलना कि तू नॉर्मल नहीं है. हम सब तेरे साथ है ना, मॉम तेरे साथ है, करीना बुआ तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, शलिन तेरे साथ है, प्रीता जी तेरे साथ है. हम सब तेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा तुझे, है ना? हाँ भैया, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, क्या होगा मुझे? हाँ, अगर पृथ्वी जी एक अच्छे इंसान होते और नेक दिल इंसान होते तो शायद बहुत दुख होता मुझे, टूट जाती मैं, पर वो तो शैतान निकले, घटिया इंसान निकले, अपना समझा था. और जो इंसान अपना है ही नहीं भैया, उसके लिए दुख फील करने का क्या फायदा, उसके लिए रोने का क्या फायदा. I'm fine. I'm okay. बेटा, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल सही कहते हैं. कृतिका, आज साल का नया दिन है, माता रानी करे ये साल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो, खुशियों से भरा साल हो ये तुम्हारे लिए. बताओ, ये बातों में मैं भूल गया कि आज एक्चुअली न्यू ईयर है यार. हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर मम्मा. हैप्पी न्यू ईयर बेटा. हैप्पी न्यू ईयर करीना बुआ. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू शैलेन. कुरियर तो प्रीता मैम के लिए आया था. प्रीता जी के नाम का कुरियर है शर्ट में? ठीक है, मैं उनको दे दूंगा. थैंक यू, थैंक यू. I think she is busy, but I'll give it to her. Huh? Thank you. अगर ये रिपोर्ट्स प्रीता और करण के हाथ लग गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि प्रीता प्रेग्नेंट हो सकती है, फिर तो पूरी फैमिली को ही पता चल जाएगा, और उसके बाद मुझे इस घर में कौन पूछेगा? फिर तो इस घर में सबके दिलों में प्रीता के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर पीहू के थ्रू इस घर में करण की लाइफ में एंट्री करने का मेरा पूरा का पूरा प्लान फेल हो जाएगा. मुझे किसी भी तरह ऋषभ के हाथ से ये रिपोर्ट चुरानी होगी, क्योंकि अब ये रिपोर्ट्स ही मेरा फ्यूचर है. ये प्रीता जी कहाँ गई, दिख नहीं रही? एक काम करता हूँ, ये रिपोर्ट्स करण को दे देता हूँ. करण, ये कुरियर वाला अभी तक आया क्यों नहीं? कब से करण ने कहा था कि वो पहुंचने वाला है? करण, वो पीहू तुम्हें बुला रही है, एक बार देख लो उसे. करण,
करण के पास जाकर बोलती हूँ कि कुरियर वाले को फोन लगाकर पूछे कहाँ तक पहुँचा। लगता है प्रीता जी बिजी हैं। ठीक है यार, रिपोर्ट उनको मैं बाद में देता हूँ। ओह नो, ये रिपोर्ट्स तो ऋषभ के हाथ से उसकी जेब में चली गई है। अब जेब से रिपोर्ट्स कैसे निकालूं? एक्सक्यूज मी, क्या चल रहा है? क्या मतलब? मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ कि तुम करती रहो ना। आई एम श्योर तुमने जानबूझकर करण को यहाँ से भेजा है। सोनाक्षी ने तो बोला था पीहू बुला रही है, ये तो सो रही है। क्या बात है मैडम, बड़ी डैड और बेटी पे नजर रखी जा रही है। प्यार पे नजर रखी जा रही, देख रही हूँ इस नए करण लूथरा को, जो एक पापा है और अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। क्या बात है, तुम जेलस तो नहीं हो रही ना? देखो होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरी ओरिजिनल बेबी डॉल सिर्फ तुम ही हो। तुमसे ज्यादा प्यार तो मैं किसी से नहीं करता। मारूंगी। क्यों? क्योंकि तुम बहुत नॉटी हो गए हो। मैं जैसा भी हूँ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जान हो तुम मेरी। जान सिर्फ एक ही होती है, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जान पीहू हो। मेरे हिस्से का भी जितना प्यार है ना, वो भी तुम पीहू को दे दो। ना जी, वो तो हमसे ना हो पाएगा। गॉड, कितने पागल हो तुम। क्यों? अरे क्योंकि मैं, एक तो मैं तुमसे कोई बात करने आती हूँ ना, तो बातों में उलझ के रह जाती हूँ। मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि वो कुरियर बॉय अभी तक आए नहीं रिपोर्ट्स लेकर। तुमने तो कहा था कब का निकला हुआ है। क्या हुआ, तुम नर्वस हो? नर्वस लग रही हूँ। हाँ? वो तो होंगी ना, क्योंकि टेस्ट हुए हैं और रिपोर्ट आने वाली है, तो एक नेचुरल सी थोड़ी सी घबराहट तो रहती है। और एक्चुअली क्या, घबराने की कोई बात नहीं, रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक आएगा। ओके, रिलैक्स। नहीं करण, तुम्हें कैसे पता? अगर रिपोर्ट्स में जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ नहीं आया, तो ऐसे ही तुम्हारा दिल टूट जाएगा। हेलो, फिर से खुद से बातें करने लगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे पापा हो? नहीं, बेटी को ठीक से ब्लैंकेट भी नहीं उड़ाया तुमने। अच्छे से तो उड़ाओ, दूसरा हाथ अंदर करो। अच्छा मैं हॉल में जाती हूँ, क्या पता वो रिपोर्ट्स लेकर आ गया हो बंदा। वेट कर रहा हो, या मैं वेट करती हूँ जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती है। तुम पीओ के पास बैठो। समझ में नहीं आ रहा, हर जगह देख लिया। सोनाक्षी भी तो लिविंग रूम में थी, क्या पता उसने रिपोर्ट्स देखी हूँ। उससे जाकर पूछती हूँ, बस वही रह गई है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करण है, लेकिन मेरे दिल का सॉल्यूशन भी करण ही है। उसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि करण से मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो प्यार करता है उस प्रीता से। अरे उसे सरा से चक्कर क्या आ गए, उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया और वहां पर पूरा का पूरा हेल्थ चेकअप करने को बोल दिया। वो तो अच्छा है कि मैं सही टाइम पर वहां पर थी और मुझे पता लग गया कि उस हेल्थ पैकेज में प्रेगनेंसी टेस्ट भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब प्रीता प्रेग्नेंट है? नहीं, आई थिंक तुम मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं रही हो। प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है, मैं दूध में उसे वो दवाई रोज मिला के पिला रही हूँ जिससे वो कंसीव नहीं कर सकती, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन इन रिपोर्ट्स में लिखा है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। Got it? इसका मतलब है कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि प्रीता। प्रीता,
अरे प्रीता उठो, तुम गिर कैसे गई? ध्यान से। पता नहीं ये शायद दियों से तेल गिर गया यहाँ पर तो फिसल गई। अच्छा तुम लोग कोई रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे ना? हाँ हाँ ये रही प्रीता तुम्हारी रिपोर्ट्स, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। वो क्या है ना, शर्लिन को नीचे गिरी हुई मिली। आई थिंक ऋषभ जब डांस कर रहा था तब उसकी पॉकेट से गिर गई होंगी। थैंक यू। ये सोच रही थी कहाँ चली गई सारी रिपोर्ट्स। बट प्रीता आई एम रियली सॉरी, वो क्या है ना मैं तुम्हारे लिए इतनी टेंस थी कि मैंने रिपोर्ट्स पहले ही खोल के पढ़ ली। बट आई एम वेरी हैप्पी कि तुम एकदम ठीक हो, एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। हाँ बस विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी तो तुम्हें रोज सुबह मॉर्निंग की धूप से मिल जाएगा, तो तुम्हें रोज सुबह धूप सेकनी पड़ेगी। और विटामिन B12 के लिए तुम्हें रोज जूस पीना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, अभी तुम्हारे लिए जूस ले आती हूँ। सोनाक्षी बहुत शातिर है। राखी जी हम चलते हैं, आपने न्यू ईयर पार्टी में बुलाया, हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। चलते हैं। नमस्ते। कुछ मिला? सुन मम के पास चलते हैं। आपने कोई कुरियर देखा? नहीं तो अगर पता होता तो मैं खुद ले लेती। कौन सा कुरियर आने वाला था? नहीं अच्छा कुरियर आने वाला था। आई थिंक कुरियर प्रीता को मिल गया, मैंने भी उसके हाथ में देखा। मैं भी थैंक गॉड। थैंक यू। मैं ये बोल रही थी कि ऐसी पार्टीज और रखा कर। एक मिनट मैं आया। मेरी बात तो सुनिए। एक सेकंड मैं आया। आ गई तुम, मुझे पता ही था मुझे तुम्हारी नजर लग चुकी है। तुम्हारी नजर मुझ पे ही तो है ना? मेरी नजर तुम पर पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। और ये जो तुम सारे कारनामे कर रहे हो इसकी रिकॉर्डिंग भी तो है मेरे पास। हाँ हाँ तुम मुझे बहुत बार बता चुकी हो, कितनी बार बताओगी और? लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये सारी रिकॉर्डिंग तुम पर कितनी भारी पड़ सकती है। रियली? और तुम्हें पता है कि मैं प्रीता पर कितनी भारी पड़ सकती हूँ? ये जो चोरी चोरी तुमने वीडियोस रिकॉर्ड की तो तुमने देख ही लिया होगा ना? और मैं तो तुम्हें खुद भी बता चुकी हूँ कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। ये जो दवाई मैं मिला रही हूँ ना, ये प्रीता को प्रेग्नेंट होने से रोक के रखेगा। बेचारी प्रीता, उसे तो पता ही नहीं है कि वो खुद अपने हाथों से माँ ना बनने का जहर ले रही है। और अगर उसने जरा सी भी ना नुकुर की ना तो करण है ना, करण के हाथों से पिलवाऊंगी। इतना कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें खुद पर, अपना पूरा का पूरा राज मुझे बता दिया। तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें जाकर मैं लूथराज को नहीं बताऊंगी? तुम मेरा सच लूथराज को कभी भी नहीं बताओगी। वो क्या है ना, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो समझ लो कि हम दोनों मौसेरी बहने। एंड एक और कहावत है कि जिनके घर शीशों के बने होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। तो अगर तुमने मेरे घर पे पत्थर मारा तो मैं उससे भी बड़ा पत्थर तुम्हारे घर पे मारूंगी। एनीवे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि मैं ये गोल गोल बातें क्यों घुमा रही हूँ। तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताती हूँ। याद है तुमने मुझे अपना वीडियोग्राफी का टैलेंट दिखाया था कि मैंने कब क्या कैसे किया, और तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया। सो मैं तुम्हें अब अपना वीडियोग्राफी का टैलेंट दिखाती हूं, जो कि तुमसे भी ज्यादा रॉकिंग और शॉकिंग है। ये देखो, याद आया ये वीडियो कब की है? दिवाली की रात। कितनी प्यार से, देखो देखो
कितनी प्यार से तुम पृथ्वी को अपने हाथों से मिठाई खिला रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ तो क्या है ना, अगर तुमने मेरा वीडियो सबको दिखाया जिसमें मैं विलेन हूँ, तो मैं तुम्हारा ये वीडियो सबको दिखा दूंगी जिसमें तुम विलेन हो।